हेलो, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कोई भी कैंडिडेट अप्रेंटिस पोर्टल पे किसी भी अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कैसे कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने कैंडिडेट की आईडी को पहले ही लॉगिन कर रखा है। तो जो ये आप देख पा रहे हैं, कैंडिडेट डैशबोर्ड, इसका मतलब ये कैंडिडेट की आईडी है। अगर यहाँ पे लिखा हो इस्टेब्लिशमेंट डैशबोर्ड, तो ये इस्टेब्लिशमेंट की आईडी होती है। तो अभी हमने कैंडिडेट की आईडी को लॉगिन पहले ही कर रखा है, ताकि बाद में लॉगिन करके समय को व्यर्थ न किया जाए। इसलिए कैंडिडेट डैशबोर्ड के जस्ट ऊपर देखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी। तो अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी, जिसमें सबसे ऊपर लिखा मिलेगा आपको अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी। इसमें आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट कोर्स टाइप। तो कोर्स टाइप में आपको डेजिग्नेटेड सेलेक्ट करना है। सर्च कोर्स ये है कि आप कौन सी ट्रेड से अपने आईटीआई की है और कौन सी ट्रेड के लिए आप अप्रेंटिसशिप सर्च करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए आपने कोपा से की है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को सर्च करेंगे। तो इसमें सबसे नीचे की तरफ देखेंगे आप, जहाँ पे अभी माउस का कर्सर है हमारा, यहाँ पे कोपा ट्रेड सेलेक्ट हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसके बाद हम लोकेशन को सर्च करेंगे कि हम किस लोकेशन में अप्रेंटिसशिप देख रहे हैं। सपोज हम भिवानी जिले की अप्रेंटिस देखना चाहते हैं, वहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे ये भिवानी आ गया, इसको सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट का नाम पता है, तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिख के आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको ये तीनों चीजें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी हमें इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं पता, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेजिग्नेटेड कोर्स में कोपा ट्रेड की भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसी हमारी शो हो रही है। जैसे सब डिविजनल ऑफिसर भिवानी, SDM ऑफिस तोसाम, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवानी, डेनियल फर्नीचर, ये अलग अलग वैकेंसी शो हो रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो अप्रेंटिस इनेबल की जाती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो हमारी फर्स्ट पेज पे शो नहीं होती, वो नेक्स्ट पेज पे होती है। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखेंगे आप, ये ब्लू डॉट है हमारा, 2 नंबर पे आ गया। इसका मतलब 2 नंबर पेज हमारा खुल रहा है। ये देखिए आप, लोडिंग वाला कर्सर चल रहा है, यहाँ पे भी लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और 2 नंबर पेज खुल चुका है। इस पे हमारी ये अप्रेंटिस की जो पोजीशन है वो दिखा रहा है। अब सपोज कीजिए हमें अप्लाई करनी है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर ट्रेड का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी ट्रेड है, ये सेकंड पेज पे चल पड़। अभी पेज हमारा रीसेट हो चुका है, इसलिए दोबारा से जल्दी जल्दी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ताकि आपका समय खराब न हो। ये सेलेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि गलती से मेरे से दूसरी चीज क्लिक हो गई थी। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने वही चीज सेलेक्ट की जो पहले की थी, कोपा ट्रेड डेजिग्नेटेड कोर्स और भिवानी डिस्ट्रिक्ट। इसमें पेज नंबर 2 पे चलेंगे हम, जो भी हम बात कर रहे थे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की। तो ये है वो यूनिवर्सिटी जहां पे हमें अप्लाई करना है। ये अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्यू है कि व्यू इसलिए है कि उन्होंने क्या कुछ इसकी डिटेल डाल रखी है, वो हम अप्लाई के बाद देखेंगे। पहले अप्लाई करने के लिए इस अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, तो ये सेलेक्ट प्रेफर्ड लोकेशन, इसमें केवल एक लोकेशन दिखा रहा है कि भिवानी और एनी लोकेशन पहले ही था। अगर ये वैकेंसी ये यूनिवर्सिटी कई जगह के लिए रखती, तो वो अलग अलग लोकेशन ऐड कर सकते थे, तो आप अपने हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने भिवानी लोकेशन सेलेक्ट किया और इसे ओके कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड आ चुका है। इसका मतलब है कि हम अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे भी ऊपर देखेंगे BDO ऑफिस बौनी खेड़ा में ऑलरेडी अप्लाई है। इसका मतलब है यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई ये है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यू में अब हम चेक करेंगे जो डिटेल है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट का कोड ये है, ठीक है।
एक स्टेट में ऑपरेट हो रही है, वर्किंग डेज के 6 हैं, टोटल 76 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। इसका ये एड्रेस लिखा हो